Hey, sweetie. Squeeze me. अरे सलमान, इधर तेरा इंसल्ट हो गया। Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. छोड़ो मुझे। सलमान अपनी बेइज्जती का बदला प्यार से लेता है। क्या हो रहा है ये? प्यार, इश्क, मोहब्बत। छोड़ो फिर। Mind your own business, lady. ये कहा छोड़ो से। छोड़ दिया। चलिए पहले आप ही सही। अब खुश। How dare you? यह है सलमान। वैसे इसने मेरे कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मुझे अजीज अपने दूसरे बच्चों की तरह है। यार अब्बा, ये लोफर कबीर का भाई है, अब क्या होगा अल्लाह? अरे अभी देखता ही रहेगा, ये कुछ बोलेगा भी नहीं। ये लड़की मुझे पसंद है। कबीर भाई के लिए इनसे अच्छा इंतकाब तो कुछ हो ही नहीं सकता। शैतान, तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, तो बा एक पल के लिए तो तूने मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे मुझे पता था आफरीन को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। अरे बेगम, मेहमानों की खातिर तवाजु नहीं करेंगी आप? जी जरूर, मैं अभी हाजिर होती। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शर्मा रही है। वैसे आप लोग आफरीन को तो जानते ही, ये मेरी बेटी है नसरीन, आफरीन से छोटी। माशाल्लाह। और ये हमारे घर की बिग बॉस तमरीन, मेरी सबसे छोटी बेटी। अरे नसरीन बेटी, नसरीन जी अब्बू, जाओ देखो अम्मी और आफरीन कहाँ रहेगी। जी अब्बू। क्या बात है बेटा, घबराई हुई क्यों? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि सलमान अच्छा लड़का नहीं है, कहीं वो किसी को कल के हादसे के बारे में कुछ बता ना दे। आप कबीर भाई की शादी इस लड़की से कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुझे किसने बताया? खाला जान, मैं सीरियस हूँ। जब कोई शर्त हारता है ना, तो इसी तरह सीरियस हो जाता है। बात शर्त हारने की नहीं है, आफरीन की है। जानता है तू आफरीन को? जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे कहूं।
कहूँ तो मुश्किल और ना कहूँ तो आपको धोखे में रखूंगा। चलना अब पहले बुझाना बंद कर दे, साफ साफ बता बात क्या है। दरअसल ये लड़की। अरे आप दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बस मैं तो ऐसे ही। सलमान बेटे आपकी बातें बाद में कर लेंगे, बेगम नीचे चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रस्म अदायगी में देर हो रही है, चलिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। सलमान बेटा जी, अल्लाह का नाम लेकर रस्म की अदायगी शुरू करो। जी सलमान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखो सलमान, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो उस दिन की बात थी, मुझे आपसे कोई ज़ाती अदावत नहीं है। तुमने हरकत ही ऐसी की थी कि मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़ा। ओह, सॉरी बोल रही हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब जो हमारा रिश्ता बनने वाला है उसको ख्याल में रखकर मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ। कैसा मौका? देखो सलमान, अब बात को बढ़ाकर क्या फायदा, चाहे तो तुम इसे मेरी नसीहत समझ लो या इल्तिजा, मगर उस दिन के बाद फिर कभी ऐसी हरकत मत करना प्लीज। वैसे मेरी दूसरी हरकत के बारे में आपका क्या ख्याल है भाभी जान? दूसरी हरकत? मेरी दूसरी हरकत की आप तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगी। मैंने पसंद जो किया है आप। मेरा मतलब है कबीर भाई के लिए। माना कि आपने कबीर भाई और बाकी सबका दिल जीत चुकी, मगर कल अगर मैंने आपके वहां आपको ना पसंद कर दिया होता तो आप आज यहाँ खड़ी ना होती। जिंदगी भर ही नहीं, कयामत तक आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए भाभी जान। अभी नहीं, मगर एक ना एक दिन तुम जान ही लोगे कि तुम। आज तो आप क्या मन ठा रही हैं? वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दिल से कह रहा हूं मैडम, आप मेरी नजर से देखिए खुद को, इतने सादे ट्रेडिशनल लिबास में भी आप कितनी गॉर्जियस लग रही है। मिडिल क्लास नहीं, आप तो मेरी दुनिया की लग रही है, इस दुनिया की। आपकी दुनिया दिलकश है, पर मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। नसरीन जी। अम्मी चलो चलो जल्दी आ जाओ, सब लोग तुम्हें डांस करने के लिए बुला रहे हैं। लगता है आफरीन से अपना हिसाब बराबर करने का जरिया मुझे मिल ही गया।